ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। और ये जो एंशियंट हिस्ट्री मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो बौद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड होगा, जो कि आपको स्पेशली फोकस दिया जा रहा है जो अभी अपकमिंग बिहार की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। हमारा टारगेट है 16th of December 2018, जिसमें हमारा BPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। लेकिन ये आपके जो भी बुद्धिज्म और जैनिज्म टॉपिक है, ये आपके हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक होती है और ये हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इसको बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी टॉपिक्स और रिलेटेड नॉलेज है मैं इसमें प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले देखते हैं बुद्धिज्म इन बिहार। तो बुद्धिज्म का बॉर्न हुआ था, ये जन्म लिए थे 563 BC। BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, मीन्स जेसस क्रिस्ट जब उनका जन्म हुआ था तो उनसे पहले का जो पीरियड होता है उनको हम लोग BC कहते हैं, मीन्स बिफोर क्रिस्ट। और उनके बाद का जो पीरियड होता है उनको हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं। ओके, तो जो हमारे बुद्धिज्म थे उनका जन्म हुआ था 563 BC में, और ये हुआ था लुम्बिनी में, जो आज के डेट में आपका नेपाल में है। और इसमें आपका ये क्षत्रिय क्लान से थे। ओके, इनके फादर का नाम था आपका सुद्धोधना, और मदर्स का नाम था इनका महामाया, वाइफ का नाम था यशोधरा। तो ये सारी जो इनकी क्रक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ कुछ कीवर्ड्स है जिनका मीनिंग पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पहला है आपका महाभिष्क्रमण। तो इसका मतलब होता है कि जब बुद्धिज्म ने घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 29 इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, मीन्स वो सच्चाई के सर्च में वो अपना घर छोड़े थे 29, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग महाभिष्क्रमण। और एट द एज ऑफ 35 वो एक रिवर के पास पहुँचे थे निर्जना, और वहाँ पे उन्होंने मेडिएशन करना शुरू किया था। अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तना। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तना क्या है कि जब वो इनलाइटमेंट अटेन किए थे उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट अपना सरमन दिए थे सारनाथ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सारनाथ होगा। ओके, और नेक्स्ट वर्ड होती है परिनिर्वाणा। तो परिनिर्वाणा कहते हैं जो उनका लास्ट सरमन था, मीन्स वो जब जहाँ मेडिएशन करते थे वहाँ पे वो अपने कुछ वक्त बोलते थे, तो उनको हम लोग सरमन के रूप में कहते हैं। तो जो पहला सरमन था उनके बाद उनको धर्म चक्र परिवर्तना कहा गया, और जो लास्ट सरमन था उनको हम लोग परिनिर्वाणा कहते हैं। उसके बाद है महापरिनिर्वाणा। तो महापरिनिर्वाणा उन्होंने कुशीनगर में लिया था, जो कि कैपिटल है आपका मालास का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। तो हमारे चार तरह के बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करते थे। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजगीर में हुआ था, जो आज के डेट में आपके बिहार में है। बुद्धिस्ट काउंसिल आपका टोटल 4 हुआ था, लेकिन 4 में से 3 जो है आपका एक बिहार में हुआ था, और उसमें से एक जो है आपका कश्मीर में हुआ था। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, और आज के डेट में ये बिहार में है। और इसमें किसके अंतर्गत में हुआ था, पैट्रोनेज मीन्स किसके अंतर्गत में हुआ था, ये आज़ाद शत्रु के अंतर्गत में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बुद्धिस्ट जो है वो सीख गए थे कि कैसे प्रिजर्व करना है बुद्धिस्ट के टीचिंग को और उनके डिसिप्लिन्स को। मीन्स इसमें क्या था कि बुद्धिस्ट का जो शुद्ध पिटक और विनय पिटक था वो उभर के आया फर्स्ट काउंसिल से। सेकेंड जो इनका काउंसिल था वो वैशाली में हुआ था, और ये किसके पैट्रोनेज के अंदर हुआ था, ये हुआ था काला सोका के अंदर। ओके, तो काला सोका के अंदर यहाँ क्या था कि जो डिस्प्यूट्स था विनय पिटक से रिलेटेड, वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था, और इसमें आपका विनय पिटक जो है अच्छे से उभर के आया था। थर्ड जो है आपका वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और ये अशोका के अंदर में हुआ था, और इसमें क्या हुआ कि अभिधम्म पिटक जो लास्ट पिटक है हमारे बुद्धिस्ट का वो इस्टेब्लिश हुआ था। और फोर्थ जो है आपका कश्मीर में हुआ था, और ये कनिष्क राजा के अंतर्गत में हुआ था। तो क्या हुआ कि चार हुए, चार में से पहला में आपका शुद्ध पिटक और विनय पिटक बना, सेकंड में जो विनय पिटक में जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो गया, और थर्ड में अभिधम्म पिटक बना। नेक्स्ट हम लोग अब जैनिज्म के बारे में देखते हैं। तो जैनिज्म में आपका 3 तीर्थांकर्स होते हैं, 24 जो है तीर्थांकर्स होते हैं। उसमें क्या था आपका कि 3 जो है आपका पिटक्स होता था, और इसमें क्या है कि आपका तीर्थांकर्स होता है। तो जो फर्स्ट तीर्थांकर थे उसका नाम था ऋषभनाथ, जो 23rd थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, 24 जो थे उनका नाम है महावीर। तो ये 3 जो आपके तीर्थांकर है उन्हीं के बारे में हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको फर्स्ट और लास्ट याद रखना है और 23rd भी याद रखना है। इनका बॉर्न हुआ था 540 BC में,
वैशाली में, ओके। और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, यहाँ वैशाली होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये अपना घर छोड़े थे 30 के एज में और इन्होंने कैवल्य को अटेंड किया था 42 के एज में। अब ये कैवल्य क्या होता है कि कैवल्य में उन्होंने माइजरी और हैप्पीनेस को कंक्यूर कर लिया था, मींस माइजरी और हैप्पीनेस के ऊपर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। उसके बाद ही से इनको जैन कहा जाने लगा और महावीरा का उपाधि दिया गया। इनके थ्री जेम्स थे, मींस तीन इनके प्रिंसिपल थे, फिलॉसफी थे, राइट पाथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, ओके। और इन्होंने जो निर्वाणा अटेंड किया था वो पावापुरी में किया था, जो आज के डेट में राजगृह में है बिहार में। अब जैनिज़्म में काउंसिल देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो काउंसिल है, जैसे बुद्धिस्ट में चार काउंसिल था, यहाँ पे आपको दो काउंसिल दिखेंगे। और ये आपका है पहला काउंसिल जो था, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसमें जो जैनिज़्म के फिलॉसफी थे वो टू सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे, पहला था श्वेतांबर्स और दूसरा है दिगांबर्स। और जो सेकंड काउंसिल हुआ था वो आपका हुआ वालाभी में, और वालाभी आज के डेट में गुजरात स्टेट में है। और यहाँ क्या था कि यहाँ आपका इस काउंसिल में हुआ था कि फाइनल कंपाइलेशन हो गया था 12 अंगास और 12 उपनिगास में, तो 12 अंगास और 12 उपनिगास का यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन हो गया था। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द बुद्धिज्म और जैनिज्म इन बिहार। ये स्पेशली बिहार के लिए ही नहीं है, ये आपके सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो मैंने इस लेक्चर में दिए है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो भी अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।